अपनी सियासत चमका रही हैं, मुख्तलिफ मदन जल्द से जुलूस कर रही हैं, अपनी सियासत चमका रही हैं, आवाम के अंदर अपना मकसद फैला रही, नजरिया बता रही हैं, आपका क्या यूनिक तरीकाकार होगा? और जमातों से अलग हुई उन्हीं की तरह जल्द से जुलूस करेंगे, जुलूस निकालेंगे, अपोजिशन की तरह करेंगे, जैसे वो कर रही हैं, आप कैसे, आपका क्या तरीकाकार होगा? मैं इसका जवाब आपसे पूछता हूँ, आपकी उम्र क्या? 16? अच्छा, अभी देखें, आपने देखा कितने जलसे निकले थे पिछले 5 सालों? ठीक है, अभी तक निकल रहे हैं, फिर क्या हो रहा? नहीं नहीं, ठहरे ना, सवाल का जवाब है, ये जलसे जो होते हैं मुझे आज तक समझ नहीं आई, जलसा होता है, लोग आते हैं, नारे लगाते हैं, तकरीर होती है, फिर सारे चले जाते हैं, फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? यही तो समझने की जरूरत है ना कि यार ये जलसे धरने फलाना ये इससे कुछ नहीं होने, 70 साल से कर रहे हैं हम, ये सबसे बेहतरीन टाइम है वक्त जाया करने का, इसलिए हम लोग जलसे नहीं करते, इसलिए हम ट्रेनिंग सेशन, ये पता है क्या हो रहा है, ये ट्रेनिंग सेशन हो रहा है, गोल हमारा ये है कि आज जब आप लोग यहाँ से उठ के जाएँ तो कम अज़ कम 15 बंदे यहाँ पे ऐसे हो जाएँ जो कि एग्जैक्टली उस तरह लोगों को कन्विंस कर सकें जैसे मैंने उनको 15 को किया कन्विंस, वो आगे 15 को जाके कन्विंस करें, 15 फिर आगे जाके कन्विंस करें, ये कायदे आजम ने कहा था, इस तरह ट्रेनिंग होती है कौम की, ये जलसे जुलूसों में यार इससे टोटल वेस्ट ऑफ टाइम, टोटल एवं लोगों को ना बहलाने के लिए या गलत डायरेक्शन देने के लिए, नॉट एट ऑल यार, हम बिलीव ही नहीं करते जलसों के अंदर, इस टाइप के हम ट्रेनिंग सेशन के अंदर, ये हो सकता है कि ट्रेनिंग सेशन बड़ा हो जाए लेकिन अगर 1000 बंदा आ जाए, 1000 बंदों को वो 15 की बजाय 100 बंदा ट्रेन हो जाएगा, मुझे तो कोई मसला नहीं, लेकिन 1 लाख का जलसा और मैंने जाके उधर वो पता नहीं क्या बन जाऊँ मैं, तो ये हमें इन चीज़ों का शौक नहीं है, कोई मसला नहीं, मुझे मेरे लिए बेहतर ये है कि मैं टेलीविजन के ऊपर आकर सारी कौम को अपना प्लान दे दूँ, वो मेरे लिए बेहतर है बजाय इसके कि मैं ये 10-10, 20-20 हज़ार का जलसा करूँ, मैंने क्या करना है पावर शो करके? मेरे भाई आपका नाम क्या है? यूसुफ भाई, पावर जो है ना ये अब यहाँ पे लिखा है, आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो हमारे झंडे के ऊपर लिखा हुआ है हाकमियत अल्लाह की, इस कायनात का एक एक जर्रा जो है, इस कायनात का एक एक जर्रा उसकी ओनरशिप वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है, समझ आइए आपको, अगर मेरा घर है और मेरे नाम है वो मेरी मलकियत नहीं है, वो अल्लाह की मलकियत है, मैं ट्रस्टी हूँ और बेनिफिशरी मेरे बच्चे हैं उस हिसाब से जो कि कुरान पाक सूरह निसा के अंदर अल्लाह सुब्हान व तआला ने क्लियरली बता दिया हुआ है कि इस प्रोपोर्शन से बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मालिक कोई नहीं है, मालिक सिर्फ अल्लाह है, पावर सिर्फ अल्लाह के पास है, वो किसी के पास नहीं है, मैंने अपनी पावर शो के क्या करनी, मेरी पावर ही कोई नहीं है, और अगर अल्लाह ताला ने ये लिखा हुआ कि पाकिस्तान फ्रीडम मूवमेंट इस मुल्क की तकदीर बदलेगी तो मेरे भाई कोई रोक नहीं सकता, और अगर अल्लाह ताला ने नहीं लिखा हुआ तो मैं जितना बड़ी बड़ी जितना बड़ा मर्जी जलसा कर लूँ कुछ नहीं होगा।